हर्षित, स्वागत है आप सभी का वी नेशन न्यूज में। आम आदमी पार्टी की लहर में ढह गए पंजाब के कई राजनीतिक दिग्गज। देश के 5 राज्यों के 10 मार्च को आए चुनावी नतीजों में सबसे बड़ी जीत पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली। यहां आम आदमी पार्टी ने 117 में 92 सीटें हासिल करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं अब पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पंजाब में जीत कर आए सभी विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद 13 मार्च को वो जनता को धन्यवाद करने के लिए रोड शो करेंगे। पंजाब में 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सामने आया आम आदमी पार्टी ने कई मिथकों को तोड़ दिया है। आपकी सुनामी में प्रदेश के तीनों मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं की साख भूसे की तरह उड़ गई है। कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के शीर्ष नेता और लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे प्रकाश बादल को हार का सामना करना पड़ा है। इन तीनों नेताओं को आम आदमी पार्टी के घर के ऐसे उम्मीदवारों ने हरा दिया है जिन्हें चुनावी पंडितों ने प्रतियोगिता से बाहर माना था। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अन्य दलों की उम्मीदों पर झाड़ू चला दी है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और अकाली दल बसपा गठबंधन को पछाड़ते हुए 117 में से 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत का परचम लहरा दिया है। वही आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के बाद किसी दूसरे राज्य में सरकार बनाने जा रही है। 2022 के इस पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के किले आम आदमी पार्टी की लहर में ढह गए। इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह सहित कई दिग्गज शामिल है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली है। वही कांग्रेस को 18, शिरोमणि अकाली दल को 3, बीजेपी को 2 और बसपा को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। आपने 2017 में पंजाब की 117 में से 20 सीटें हासिल की थी, वो कांग्रेस से काफी पीछे थी। तब कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। पंजाब राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिए 59 सीटों की जरूरत होती है। अन्य ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज के साथ।